और मेरी प्यारे भाइयों कैसे आप सब, तो स्वागत है भाई फिर से आप लोगों का एक और इंटरेस्टिंग भाई आज के एक और न्यू भाई वीडियो में। तो गाइस आप लोगों ने भाई जो देखा है टाइटल थंबनेल में, जो कि गाइस ये जो फोन है जो कि रियलमी GT60 जो कि मेरे पास जो वेरिएंट है भाई 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है, तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो भाई आई बटन पे या फिर भाई मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका जो BGMI टेस्ट है तो दिखा दूंगा, लेकिन भाई एक बैड न्यूज है जो कि भाई BGMI के अंदर कोई से भी ऐसा मोड नहीं है। तो भाई मैं मोड के अंदर नहीं खेलूंगा, एक मूसा खेलूंगा और भाई इरेंगल वगैरह खेलेंगे जो कि अनरैंक वगैरह। तो उसके साथ ही साथ गाइस इस आप लोगों के साथ भाई पूरा वीडियो को देखेंगे कि भाई ये फोन आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं गेमिंग के लिए BGMI के लिए। लेकिन भाई जाते जाते टाइम पे भाई और भी गेम प्ले मैं लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर करना उस वीडियो, उसके साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को तैयार पर शुरू कर लेते, लेकिन उससे पहले भाई मैं उसे जितने और वॉचिंग माई टेक्निकल उसे यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस आज का वीडियो को तैयार पर शुरू कर लेते हैं। तो गाइस ये मैं फ़ोन के ऊपर आ चुका हूँ और भाई BGMI को खेलेंगे, लेकिन भाई मैं आप लोगों को जो इंट्रो में बता ही दिया कि भाई न्यू मोड नहीं आया है, तो सबसे पहले भाई क्या ही कर सकते यार। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्राइटनेस को फुल कर लेता हूँ, लेकिन भाई आप लोगों को कुछ ऐसा दिक्कत वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा शायद से, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई BGMI को खोल लेता है और इसके अंदर देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें दे के रखा है। तो उसके साथ ही साथ भाई इसके अंदर मैं स्लीव्स वगैरह पहन लेता हूँ जब तक भाई ऑन हो रहा है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों ने भाई इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वाला रिव्यू वाला वीडियो तो अभी नहीं आया है, तो आप लोग अगर भाई देखना चाहते हो जरूर से भाई मतलब देख लेना, मेरे चैनल पर अभी भी है। तो सबसे पहले भाई इसका फुल साउंड करता हूँ और यहाँ पे भाई कुछ ऐसे साउंड वगैरह है, वॉल्यूम वगैरह देख रखा है और यहाँ पे आप लोगों को जो मोड वगैरह है वो भाई देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई साउंड को देख लेता है जो कि भाई आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा साउंड है भाई, ड्यूल डॉल्बी साउंड देखने के लिए मिल जाएगा जो कि भाई आप लोग सुन सकते हो यार। खैर ये नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं इसको साउंड को कम करता हूँ और उसके साथ ही साथ सेटिंग के अंदर चल के और सबसे पहले भाई देख लेते हैं कि स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ भाई HDR के अंदर भी आप लोगों को एक्सट्रीम देखने के लिए मिल जाता है गाइस, मतलब आप लोग देख सकते हो यार। उसके साथ ही साथ भाई मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगा। उसके साथ ही साथ भाई अल्ट्रा HDR के अंदर आप लोगों को अल्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 40 FPS देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन एक्सट्रीम HDR जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है यार। और उसके साथ ही साथ चलो गाइस आप भाई इसके अंदर गेम प्ले के अंदर बढ़ते हैं और भाई HDR का भी गेम प्ले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं मेरा सेटिंग कर लेता हूं, तो यहां पे कलरफुल करके और यहां पे मैं 4X पे खेल रहा हूं। उसके साथ ही साथ भाई यहां पे फुल ब्राइटनेस भी कर लेते हैं और इसका जो डिस्प्ले है ना भाई बहुत बढ़िया है। और उसके साथ ही साथ गेम प्ले के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करता है और यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो के अंदर भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मैं बंद करता हूँ और ये सब मैं हाई में कर देता हूँ। उसके साथ ही साथ इफेक्ट वगैरह भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पे मोड तो नहीं है, तो सबसे पहले एक भाई TDM खेल के देखेंगे और उसके साथ ही साथ भाई इसके अंदर देखेंगे कि भाई ये फ़ोन कैसे परफॉर्मेंस करता है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे अभी तो ये ऑन कर लेते हैं जो कि क्या बोलते हैं भाई इसको जो सिस्टम स्टेटस वगैरह है, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को FPS वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले भाई ये कर लेते हैं तो साउंड का भाई थोड़ा सा बढ़ाते हैं भाई। और भाई आप लोग देख सकते हो इसका जो बैटरी है भाई 51% पे है, आप लोग भाई यहाँ पे देख लेना जो कि भाई ये देखो भाई 51% पे है। तो देखते हैं कि गेम खेलते वक्त मतलब इसके TDM के बाद कितना ज़्यादा ये करता है। और अभी टेम्परेचर जो है भाई आप लोग देख सकते हो जो कि भाई इसके अंदर खेलता है जो कि 36 डिग्री टेम्परेचर होके रखा है। तो सबसे पहले भाई तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ जो कि जायरोस्कोप वगैरह जो होता है एम फीचर जो है भाई डिसेबल है, तो हर एक चीज़ मैं ऑन कर लेता हूँ जो कि भाई इसका भी जायरो का जो भी साउंड है आप लोग देख सकते हो जायरो भी भाई बहुत बढ़िया से चलता है भाई, एकदम मक्खन चलता है। तो सबसे पहले M4 उठाता हूँ और चलो अब भाई तैरामपैड शुरू करते हैं। बंदा कहाँ है भाई, भाग गया क्या बंदे, ये राय अरे किल चोरी GT के आगे आना कोई नहीं भाई, ये देखो पीछे से मार रहा है। अभी तक तो भाई 60 FPS कॉन्टिन्यूस दे रहा है, लेकिन भाई BGM PUBG का भी गेम प्ले करें और बूम 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 ये देखो भाई दोनों को मार दे, इसके लिए तो एक एक लाइक हो जाना चाहिए भाई।
अरे अरे चलो देखो भाई, इतना देर से बोल रहा था लेकिन ये बंदा फिर मार के भाग गया। ये देखो एक भाई नेट से फट गया, मजा ही मजा आ गया भाई। अरे ये क्या कर रहा है भाई। खैर ये मेरे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर भाई आप लोगों को 8GB 256 वाला वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। इसका भी और भी चार वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है। और मेरे पास जो कलर है भाई ये ग्रीन कलर देखने के लिए मिल जाएगा। अरे देख रहे हो भाई कील चोरी, और ये बंदा मार के भाग गया। खैर कोई ना, चलो देखते हैं अब। और इसके अंदर भाई सारे गेम टेस्ट आएगा, तो भाई आप लोग चैनल पे बने रहना भाई। अरे भाई वो बंदा का हेड लगते ही फिनिश हो गया, लेकिन ये बंदा मेरे को मार गया। चलो एक और बार नेट ट्राई करते हैं। लो जी ये भी किल गया। देख रहे हो भाई कितना किल चोरी हो रहा है भाई, मेरा पे तो यहीं पे असिस्ट 8 हो गया। चल भाई साहब, मतलब किल से ज़्यादा तो असिस्ट हो गया भाई। खैर आप क्या ही कर सकते। इसके बाद भाई एक मूसा का गेम टेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे जो भाई साइंस सेंटर जो होता है उसके अंदर भाई बहुत रास आता है, तो उसके अंदर देखेंगे सबसे पहले कि कैसे चलता है, मतलब FPS डाउन वगैरह होता है कि नहीं। क्योंकि भाई अभी तो आप लोगों को पता है BGMI के अंदर मोड हट चुका है। तो सबसे पहले भाई इस Realme GT60 के अंदर पहला भाई चिकन डिनर हम लोगों को मिल चुका है, जो कि भाई हम लोग की हो गया है। और अभी 36 डिग्री पे दिखाया था, लेकिन अभी भी भाई 38 डिग्री पे पहुंच गया है। तो आप भाई सीधा सीधा एक नूसा का गेम प्ले लगा लेता है गाइस, तो देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एक नूसा भाई यहाँ पे, और उसके साथ ही साथ भाई यहाँ पे सेटिंग के अंदर देखता हूँ कि भाई ये जो सेटिंग है मतलब Ultra HDR, तो ये डाउनलोड नहीं हुआ है। इस नूसा के अंदर खेलेंगे, और इसके अंदर भी मैं आप लोगों को जो Ultra HDR वाला जो सीन है वो मैं भी खेल के दिखाऊंगा, क्योंकि भाई ये फ़ोन झेल लगा भाई, मेरे को पता है इतना। जो कि भाई कलर भी देख सकते हो, जो कि भाई चमक धमक रहा है भाई, आप लोग देख सकते हैं यार। लेकिन चलो, अरे भाई इसका कितना बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई। मेरे को लग रहा है कि जब भाई अच्छा लॉबी के अंदर स्विच भी नहीं कर सकते, अच्छा HDR का स्विच नहीं कर सकते, लेकिन ये आप लोगों को मैं दिखा ही सकता हूँ। लेकिन चलो थोड़ा बहुत इसके अंदर HDR एक्सट्रीम का गेम प्ले करते हैं, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 60 FPS कंटिन्यूअस दे रहा है, और जो टेम्परेचर भाई 38 डिग्री पे पहुँच गया, और जो बैटरी है भाई 1% मतलब ख़त्म हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे फ्लेम विलेज पे नहीं कूदेंगे, साइंस सेंटर पे कूदेंगे भाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सीन बन रहा है भाई यहाँ पे। तो चलो, और कूदते कूदते भाई आप लोग देख सकते हो 42 FPS के अंदर पहुंच चुका था गाइस, जो कि बहुत बढ़िया है। और आप देखते हैं यहाँ पे कूदते हैं सबसे पहले तो, और भाई देखते हैं कि बंदा कितना मारता है। और भाई मतलब क्वालिटी कैसा चल रहा है भाई। और ये देखो आसमान से गिरा और खजूर पे अटक गया। गन कहाँ है भाई, गन कहाँ है? यहाँ पे कुछ तो गन दिखाई दे रहा है, और बंदे भी आया है। भाई साहब खतरनाक गेम है भाई, खतरनाक फोन है, बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। आप बोल अरे 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 भाई भाई मरते मरते बचा भाई।
लेकिन अभी भी मेरे पास हील नहीं है। नहीं भाई हील है। तो अभी तक तो भाई बहुत बढ़िया HDR 60 FPS पे चल रहा है। वहाँ पे देख सकते हो भाई आप दो बंदे वहाँ पे भाग रहा है। तो सबसे पहले भाई उस दोनों बंदे को मारता है। आ जाओ। और अभी तो भाई BGMI के अंदर वो पानी वाला मोड आने वाला है। तो आप लोग भाई उसके अंदर कैसे कैसे रैंक पुश करने वाले हो या फिर नहीं, जरूर से कमेंट में आकर बता के देना भाई एक बार। और एक बंदा कहाँ गया भाई? अरे भाई वो बंदा जाके पेटी बना दिया हमारा टीममेट को। नहीं भाई वो ऊपर पे था भाई एक बंदा। तो चलो तुम्हारा भाई अब देखो भाई। फूड स्टेप तो भाई बहुत बढ़िया से आ रहा है। आप बोल। चलो इस दोनों बंदे को उठा देते हैं भाई। देखते ही देखते 5 किल हो गया। इसके बाद भाई सीधा इरेंगल का मैच खेलेंगे। तो HDR 60 FPS का अंदर तो भाई बहुत बढ़िया से चल रहा है अभी। तो चलो और बंदे को मारते हैं और पेटी बनाते हैं, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे बंदा है तो देखते हैं, फाइट लेते हैं। चलो बेटे भाई एकदम एक्सट्रीम लेवल का ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है भाई। मतलब 55 के नीचे तो आ ही नहीं रहा है। मतलब मैं तो भाई पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया हूँ। लेकिन ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरा एक दोस्त का फ़ोन है। तो देखते हैं इसका भी रिव्यू करेंगे गाइस एक हफ्ते बाद कि इसके अंदर क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है क्या नहीं। तो तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइस, और उसके साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको भी दबा के ऑल पे सेट कर लेना। वो देखो भाई बंदा आ रहा है। अरे भाई सो जा यार, क्या कर रहा है? अरे भाई यहाँ पे अगर मैं सो जाता ना मैं मार देता भाई। लेकिन कोई ना, चलो अब सीधा से सीधा इरेंगल का मैच खेलेंगे जो कि अनरैंक वाला खेलेंगे भाई ऑब्वियसली। और उसके अंदर भाई नॉर्मल खेलेंगे स्मूथ प्लस 60 FPS। तो देखते हैं कि यार भाई यहाँ पे ये जो शैडो वगैरह है भाई कितना बढ़िया से दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं अगर कोई टीममेट आ जाए तो। चलो 3 नंबर शायद से आ रहा है भाई, मेरे को लग रहा है ऐसा। अच्छा भाई
चलो भाई गिर के ही फिनिश हो गया। खैर कोई ना, चलो आप सीधा से सीधा चालू करते हैं भाई इरेंगेल का मैच, और उसके साथ ही साथ इसका टेम्परेचर देख लेते हैं जो कि भाई अभी 40 डिग्री पे पहुंच गया है। लेकिन इसके अंदर भाई आप लोगों को वीसी कूलिंग का फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा जो कि मतलब ठंडा ही कर देगा भाई फोन को अभी कुछ देर में। तो सबसे पहले भाई इसका अंदर देख लेते हैं कि क्या मतलब इरेंगेल के अंदर क्या FPS डाउन होता है या फिर नहीं, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं सेटिंग में जाके यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे करने वाला हूँ, और एंटीलाइजिंग भाई यहाँ पे 4x पे करके रखा हूँ। तो चलो सब इसके अंदर भाई कूदेंगे जहाँ पे जितना बंदे उतरते हैं गाइस, जो कि स्कूल अपार्टमेंट हो गया या फिर कोचिंग के हो गया, देखते हैं। और अभी तो भाई पीछे के यहाँ पे इस साइड से भाई थोड़ा सा मेरे को हीट दिखने के लिए मिल जाता है। और ये फ़ोन आप लोग अगर भाई रुक जाओ भाई थोड़ा सा, मैं इसको साउंड को कम कर लेता हूँ। और ये फ़ोन अगर मैं जो बता रहा था, ये फ़ोन अगर आप लोग भाई लेना चाहते हो कि कैमरा के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए, तो भाई इसका पूरा जो सीरीज़ है वो मैं लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो एयर ब्लास्टर वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर डुअल स्टीरियो साउंड भी देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, जो कि बहुत बढ़िया है। तो भाई एक एक लाइक कर देना अभी तक अगर भाई आप लोग मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हो, उसके साथ ही साथ चैनल पे भाई मज़ा आ रहा है तो देख लेना। और अभी तो भाई 40 डिग्री पहुंच रखा है, लेकिन मेरा पीछे से भाई फील हो रहा है भाई, यहाँ पे पीछे साइड से फील हो रहा है, और आगे साइड से भाई थोड़ा सा फील देखने के लिए मिल जाता है गाइस, जो कि ये गलत है भाई। और उसके बाद इसके अंदर और भी सारे गेम को ट्राई करेंगे, तो देखेंगे कि भाई क्या क्या सीन बन रहा है। तो सारे बंदे पोचिंग की पे कूद रहा है, तो भाई हम भी पोचिंग की पे ही चला जाएंगे, ऐसा कुछ दिक्कत वगैरह नहीं है भाई। तो गाइस सबसे पहले तो इसका ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो धुंधला वाला जो मोड है इसके अंदर तो ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे पाएगा भाई। तो सबसे पहले कम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सीन बन रहा है। तो दो नंबर को फॉलो कर लिया हूँ, और देखते हैं कि दो नंबर कैसे उतरता है। और आप लोगों को इसका जो डिस्प्ले का क्वालिटी है, डिस्प्ले का जो क्वालिटी है आप लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब आप लोगों को कैमरा के हिसाब से तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरे को जो एक्चुअली में फील दे रहा है ना, सही में भाई बहुत बढ़िया, मतलब डिस्प्ले के लिए मैं तो भाई बहुत बढ़िया सेटिस्फेक्शन हूँ। तो चलो आप देखते हैं, तो सीधा सीधा भाई पोचिंग के अंदर कूद रहा है, और देखते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा किल निकलता है गाइस। तो साउंड को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, बंदा रहा है क्या कोई, शायद से दूर दूर उतर रहा है, नहीं नहीं एक बंदा उठ रहा है, ये कौन सा प्रासूट है भाई, आए आए आए। भाई गान तो दिला दे भाई, अरे 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 भाई क्या हो रहा है भाई, कूद तो जा। लेकिन भाई बहुत बंदे आया है भाई मजाक सट के यहाँ पे, लेकिन एक भी गान भी नहीं मिल पा रहा है। चलो एक शॉट गन मिल गया है, लेकिन इससे क्या होगा एआर गन के साथ। एक बंदा मेरे पास है, चलो इसका ही गान ले लेता है। ये देखो भाई इस घर पे आ गया है भाई बंदे, हो गया ना साले, इसके पास क्या है भाई, इतना कुछ गान लेके भी कुछ नहीं कर पाया। चलो इसका टीममेट आ रहा है, कोई कैंपर नहीं कहेगा भाई, आ बेटा। अरे भाई ही लगा रहता ना तो भाई मैं इसको मार देता। खैर कोई ना, चलो एक और गेम ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस आप फिर से पोचिंग के अंदर जाएंगे, और देखते हैं कि यहाँ पे
इस बार कितना ज़्यादा किल निकलता है। यार इसके बाद जाके ना मैं आप लोगों को सीधा कंक्लूजन का अंदर बताऊंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 39 डिग्री पे पहुँच गया है गाइस, जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि वीसी कूलिंग का जो काम है भाई, वीसी कूलिंग बहुत बढ़िया से करता है। तो चलो अब भाई कूद गए, जो कि 54-58 ऐसा कुछ FPS देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन 60 FPS कंटिन्यूस नहीं दे रहा है, जो कि GPU जो 6% यूज़ हो रहा है, CPU भाई 50% यूज़ देखने के लिए मिल जाता है गाइस। और भाई ब्राइटनेस मैं कम कर दिया हूँ, लेकिन भूल गया हूँ कि भाई इसको ऑन करना, लेकिन कोई बात नहीं अभी ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो भाई कूदते हैं, उसके बाद देखते हैं माइक वगैरह ऑन कर। अरे भाई देखो, इसीलिए मैं माइक नहीं ऑन करता हूँ। और यहाँ पे भाई बंदे तो बहुत आ रहा है भाई, देखते हैं कि कितना देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। खैर इस ज़्यादा गेम को नहीं खींचेंगे और पबजी के अंदर देखेंगे गाइस कि पबजी के अंदर मोड के अंदर कैसा है ये फ़ोन मतलब परफॉर्मेंस करता है, जो कि आप लोगों को पता ही है ये जो GT फ़ोन है जो परफॉर्मेंस के लिए ही जाना जाता है गाइस। तो पबजी के अंदर भाई पूरा इस्तेमाल करेंगे भाई। तो देखो अरे भाई चलो, वहाँ पे DBS लेके कोई खड़ा है हमारा इंतज़ार में। और साउंड जो इसका है ना, आप लोग तो कैमरा में उतना वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, लेकिन बहुत बढ़िया है भाई। लेकिन जो रिव्यू वाला वीडियो है उसके लिए आप लोग इंतज़ार कर लेना गाइस, उसके अंदर बताएंगे कि इसका क्या बढ़िया है। रुक जा पे, सबसे पहले बंदे को मार लेता है। हाँ मेरी जान, अरे भाई बॉट ने मार के भाग रहा है भाई, ये देखो भाई इतना ज्यादा हीलिंग काम कर दिया साले ने। और हमारे टीममेट को देखो भाई, मतलब छुप छुप को खेल रहा है। दो नंबर टीममेट तो भाई आ ही नहीं रहा है भाई। आजा भाई, आजा आजा, बचा ले भाई। नहीं बचा पाएगा भाई, नहीं बचा पाएगा। देखो भाई, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि गाइस 45 FPS पे तक भाई चला गया था, लेकिन ये लोग क्या रिकॉल दे पाएगा, क्या देख लेते हैं भाई। चलो ये लोगों का खेल देख के मैं बाहर निकल रहा हूँ, खैर मेरा किल भी फिनिश हो गया था। तो चलो गाइस, आप भाई बताते हैं इसके अंदर कि क्या आप लोगों को ये फ़ोन BGMI के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं, जो कि भाई आप लोग देख सकते हो कि भाई हर बार भाई 45-46 पे चल रहा है भाई FPS। और यहाँ पे भाई आप लोग टेम्परेचर देख सकते हो, जो कि 39 डिग्री पे चल रहा है, और यहाँ पे भाई 45 डिग्री पे बैटरी आ चुका है गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शुरू कर देता हूँ। गाइस आप लोगों ने ये देख लिया है कि भाई इस फोन के साथ मैंने जो लगभग 20 मिनट का ही गेम प्ले किया था, आधा घंटा से ऊपर मैंने गेम प्ले किया था, तो टेम्परेचर तो भाई ठीक ही था, जो कि अभी समर के टाइम चल रहा है तो 40 डिग्री तक ही चल रहा था गाइस। और उसके साथ ही से इसका जो बैटरी रिड्यूस हुआ, जो कि 51% से शुरू किया था, उसके साथ ही साथ इसके अंदर 45 डिग्री पे आ चुका है। तो भाई 6% ही 30 मिनट के अंदर ऐसा रिड्यूस हुआ है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, उसके साथ ही साथ वगैरह देख ही सकते हो, जो कि भाई बीच बीच में मतलब लास्ट के टाइम पे भाई आप लोगों को 45-46 FPS पे चल रहा था भाई ये फोन, जो कि मतलब ठीक है भाई, उसके बाद जाके ये खुद से भाई हील हो जा रहा था। तो चलो गाइस आप क्या ही कर सकते हैं। खैर मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग भाई इतना पैसा लगा के अगर ये फोन लेने वाले हो, तो इसके लिए भाई आप लोग देख लिए, सबसे पहले मैंने एक नूसा का गेम टेस्ट किया था, उसके अंदर मैंने HDR 60 FPS पे खेला था भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था भाई, एकदम 60 FPS पे चल रहा था, तो उसके लिए भाई बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई मैं ये तो अभी न्यू फोन है, तो बैटरी मेरे को लग रहा है उस हिसाब से चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर यूज करूंगा तो भाई इसका जो एक्चुअल यूज है भाई बैटरी का, वो भाई मैं दिखाई दे पाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए भाई आप लोग जो रिव्यू जो वाला वीडियो है उसके लिए भाई आप लोग बहुत मतलब इंतजार कर लेना भाई, एक हफ्ते बाद मैं ये रिव्यू वाला वीडियो लेके आऊँगा। खैर आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर भाई इस कौन कौन लोग भाई ये जो GT60 है ये फोन लेना चाहते हो, जरूर से भाई कमेंट में अगर बता जाना। इस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक एक लाइक कर देना, उसके साथ ही साथ भाई चैनल पे नए हो, मेरे को पहली बार देख रहे हो और विजिट किए हो, तो एक एक लाइक
शेयर सब्सक्राइब हर एक चीज कर देना। मेरे मिलते हैं दोस्तों कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेन के लिए यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही।